नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सिटी वेब में आपका स्वागत है। मैं शिवानी शर्मा लेकर आई हूँ आपके लिए सहारनपुर की कुछ खास खबरें हेडलाइंस के साथ। जेल में बंद युवक की इलाज के दौरान मौत, परिजनों ने की जांच की मांग। अलग प्रकार से खेली गई सहारनपुर पुलिस लाइन में होली। मृतक किसान वेदपाल की आत्महत्या के मामले में राष्ट्रीय लोक दल का प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी से मिला। हेडलाइंस के बाद आइए नजर डालते हैं सहारनपुर के कुछ खास समाचारों पर विस्तार से। आपने होली खेलने के कई तरीके देखे होंगे, वाराणसी, मथुरा और वृंदावन की होली भी देखी होगी, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे ऐसी होली जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। यह होली सहारनपुर पुलिस लाइन व थाना मंडी में खेली गई। सहारनपुर पुलिस लाइन में एक गहरा गड्ढा खुदवाकर गड्ढे में कीचड़ भर दिया गया और बुधवार सुबह से ही होली मिलन प्रोग्राम शुरू हुआ और यहाँ पहुँचने वाले सभी पुलिसकर्मियों और अन्य लोगों का रंग गुलाल से स्वागत किया गया। उसके बाद सीधे यहाँ आने वाले लोगों को पकड़कर इस गड्ढे में फेंक दिया जाता है। यहाँ पुलिसकर्मी द्वारा रंग उड़ाकर नाच गाना भी किया गया। आइए देखते हैं कुछ झलकियाँ। सरसावा थाना क्षेत्र के गांव कुमारिया निवासी 26 वर्षीय टीनू को 10 दिन पूर्व गांव के कुछ युवकों ने चोरी के आरोप में पकड़कर पहले जबरदस्त पीटा, उसके बाद सरसावा पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने भी युवक को मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। मारपीट घायल टीनू का पहले जेल में इलाज चला, लेकिन हालत बिगड़ने पर टीनू को मेरठ मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। टीनू की मौत पर परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक के परिजनों ने टीनू की मौत के लिए उसके साथ मारपीट करने वालों के साथ ही पुलिस को भी जिम्मेदार ठहराया है और एसपी देहात से मिलकर घटना जांच की मांग की। ये नकुल रोड पे गांव पड़ता है कुम्हारेड़ा। कुम्हारेड़ा में एक घटना घटी। ये लड़का है 25-26 साल का, इसका नाम टीनू है। टीनू उसको गाँव में बुलाते हैं, टीनू नाम है इसका। वैसे नाम दूसरा है, सानू सातू करके कुछ नाम है इसका। तो इसे कुछ मोमडन के तीन लड़के गाँव से उठा करके इसको ले गए और ये इल्ज़ाम इसके ऊपर था कि इन्होंने कुछ चोरी करी है जैसे कुछ लोगों ने मिलके, और इसको जो उठा के ले गए, पहले तो इसको उन्होंने पीटा रास्ते में। पीटने के बाद इसको उन्होंने जो सरसावा थाना है वहाँ पे इसको दे दिया, थाने में दे दिया। और देने के बाद वो लोग तो वहाँ से चले गए। थाने वालों ने भी कोई सूचना इसके घर वालों को दी नहीं कि ये किस वजह से पकड़ा गया है, क्या क्यों उसको पकड़ के रखा है। उन्होंने इसके साथ इतनी मारपीट उन्होंने भी करी, पता नहीं किस, या तो रंजिश थी क्या था। और मारपीट करने के बाद इसको उसी दिन 2 तारीख की शाम को ही जेल में रेफर कर दिया। और ये जेल में रेफर होने के बाद इसके घर वालों को 3-4 दिन बाद पता चला कि आपका लड़का जेल में है। इसके घर वाले मिलने गए होंगे इससे, वहाँ भी तबीयत इसकी ठीक नहीं थी। और उसके बाद इसको इतना वहाँ भी यानी कि जेल के अंदर भी इसकी मारपिटाई ज़्यादा हुई, यानी कि इसके गुप्तांगों में भी चोट लगी हुई है जो फोटो वोटो हमने देखी। उसके बाद इसको मेरठ रेफर किया गया। मेरठ से भी इसकी कल डेड बॉडी वापस ये लोग लेके आए हैं। मतलब इस पूरे मैटर में ये नहीं पता चल रहा कि इसको किस उद्देश्य से इतना मारा गया जिसकी इस तरीके से उसकी हत्या हुई है एक तरीके। मृतक किसान वेदपाल की आत्महत्या के मामले में राष्ट्रीय लोक दल का एक प्रतिनिधि मंडल जिलाध्यक्ष राव कैसर सलीम एवं प्रदेश महासचिव चौधरी धीर सिंह के नेतृत्व में जिलाधिकारी से मिला और मृतक किसान के परिजनों को 20 लाख रुपये का मुआवजा, कर्ज माफी एवं परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिए जाने की मांग की। प्रतिनिधि मंडल ने किसानों पर हो रहे उत्पीड़न की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसान ने बैंक के उत्पीड़न से त्रस्त होकर आत्महत्या की थी, जिसकी रिपोर्ट थाना फतेहपुर पर दर्ज कराई गई थी, लेकिन आज तक एक नामजद ही गिरफ्तार हो पाया है, जबकि अन्य नामजद अभियुक्त फरार चल रहे हैं। उन्होंने सभी अभियुक्तों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की। ग्राम अली वाले में जो किसान ने विगत दिनों आत्महत्या की थी, उसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय से, हम जिलाधिकारी महोदय से ज्ञापन देने आए हैं
और ये हमारी मांग है राष्ट्रीय लोकदल की कि छः के छः जो नेम्ड FIR उनके लिए गिरफ्तारी की जाए और मृतक को 20 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए, उसके परिवार वाले को एक परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी दी जाए और ये जब तक किसान का एक एक पैसा सरकार ना दे दे तब तक सरकारी जे जितनी भी है सरकारी वसूली को स्थगित की जाए। सिटी वेब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे और हमारी हर वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।